क्लास एट चैप्टर नंबर सिक्स स्क्वायर्स एंड स्क्वायर्स रूट्स एक्सरसाइज 6.1। कल जैसे कि कुछ पॉइंट समझाए थे, आज अपन एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कि आपके फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो यूनिट डिजिट में जो स्क्वायर्स नंबर आ रहा है उसको फाइंड करना अपने को। नंबर्स दे रखे हैं, फर्स्ट नंबर में दे रखा है 81, बी में दे रखा है 272, थर्ड क्वेश्चन ये, फोर्थ क्वेश्चन ये, ऐसे ही आपके 10 क्वेश्चन है जिसमें से मैं आपको चार क्वेश्चन करके समझा रहा हूं। तो आप एक सबसे पहले एक टेबल बना लीजिए जिसमें फर्स्ट नंबर सीरियल नंबर, फिर नंबर्स कौन सा दिया हुआ है क्वेश्चन में, यूनिट डिजिट स्क्वायर नंबर जो कि अपने को फाइंड करना है और रीजन बताना है कि कैसे हमने इसको फाइंड किया। तो सीरियल नंबर में फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, सीरियल नंबर लिख दिया, चार क्वेश्चन डाले हुए हैं, 1, 2, 3, 4 लिख दिए। नंबर्स कौन कौन से हैं, 81, 272 नंबर्स डाल दिए। अब आपके पहला क्वेश्चन है 81। 81 में आप पीछे का यूनिट डिजिट नंबर देखिए, 1 है, तो रीजन आ रहा है 1 × 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपके आ गया 1। तो ये जो पीछे वाला मल्टीप्लाई करने पर जो आ रहा है वो आंसर होता है आपके यूनिट डिजिट स्क्वायर नंबर। अब सेकंड नंबर में देखिए 272, तो आपके यूनिट डिजिट आ रहा है 2, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके आ गया 4। तो यूनिट डिजिट स्क्वायर नंबर में आप यहां पे लिख देना 4। थर्ड नंबर क्वेश्चन है 799, यूनिट डिजिट नंबर है 9, 9 को 9 से मल्टीप्लाई किया 81 आया, 81 में आपके पीछे वाला यूनिट डिजिट नंबर है 1, तो यहां पे आ गया 1। इसी प्रकार फोर्थ नंबर करते हैं 3853, जो कि क्वेश्चन है, अब यूनिट डिजिट नंबर आपका है 3, तो 3 रीजन बता रहे हैं 3 × 3 क्या आया 9, तो इसका आंसर हो गया 9। तो ये इसी प्रकार आपको फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि 10 दिए हुए हैं वो आपको करने हैं, मैंने 4 क्वेश्चन करवाए। हाँ, तो अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, गिव रीजन। ये जो आपको नंबर दे रखे हैं ये क्यों नहीं है परफेक्ट स्क्वायर, आपको रीजन बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं निकल रहा है, इनका रीजन बताना है। तो क्वेश्चन आपके मैंने लिखे हैं 1, 2, 3, 4, 5, क्वेश्चन 10 है आपके लेकिन 5 क्वेश्चन लिखे हैं जिसमें से मैं 2 क्वेश्चन आपको करके बता रहा हूं। इसका सबसे मोटिवेटिव पॉइंट है आपके ये लाइन, आप लर्न कर लेना, जो आपको मेन पॉइंट है, ए नंबर एंडिंग विद 2, 3, 7, 8, ये नंबर 4 दे रखे हैं 2, 3, 7, 8 एंड ओड नंबर ऑफ 0, ओड नंबर ऑफ 0 का मतलब है कि अगर किसी डिजिट के पीछे 10, अगर किसी डिजिट के पीछे 000, अगर किसी डिजिट के पीछे 50, ओड नंबर 0 का मतलब है 10, 30, 50 अगर होगा तो वो उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलेगा। एक बार अगेन इस लाइन को ध्यान से देखिए, अगर आपके लास्ट में 2, 3, 7, 8 ओड नंबर ऑफ 0 मतलब 10, 30, 50 होगा तो उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलेगा। अब आपको आंसर को कैसे लिखना है, जैसे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो थर्ड नंबर आंसर बना रहा हूं मैं 7928। तो ये क्वेश्चन है कि ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है, तो अपन रीजन बता रहे हैं, इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर एज इट एंड्स विद 8, क्योंकि इसका एंड हो रहा है ना वो आपके 8 है, एंडिंग पॉइंट क्या है, एंडिंग नंबर आपका आ रहा है 8 जो कि आपने लिखा हुआ है, जिसके कारण ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब आंसर नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ रहा है 6, 4, 0, 1, 2, 3,
it is not perfect square as it ends with odd number of zeros. Odd number of zeros. तो आप जीरो को काउंट करके देख सकते हैं, वन टू थ्री, थ्री जीरो आ रहे हैं. तो थ्री जीरो मतलब ओड नंबर्स में जीरो आ रहा है, तो ये आपके परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. ऐसे आपको लाइन लिख के आंसर देना है. तो आज क्वेश्चन समझे हैं वन एंड टू, जो कि आपको करने को बीच में. थैंक्स स्टूडेंट्स.